फोर्ज केस के बाद पुणे से हिट एंड रन का मामला सामने आया है। पुणे में शनिवार देर रात एक सड़क हादसा हुआ। आरोप है कि एनसीपी विधायक दिलीप मोहिते पाटिल के भतीजे मयूर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। बता दें कि यह हादसा पुणे नासिक हाईवे पर एक लहावे इलाके में हुआ है। मयूर फॉर्चूनर कार से गलत दिशा में चला रहा था और हादसे में जान गंवाने वाले युवक की पहचान ओम भालेराव के रूप में हुई है। मंचल पुलिस स्टेशन में मयूर मोहिते पाटिल के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने बताया कि मयूर पुणे शहर की ओर जा रहा था और टक्कर के बाद बाइक के पर खच्चे उड़ गए थे। मयूर नशे में कार चला रहा था या नहीं, इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। अल्कोहल टेस्ट के लिए उसका सैंपल लिया गया है। हालांकि दुर्घटना के बाद मीडिया को दिए गए बयान में विधायक दिलीप मोहिते ने कहा कि उनका भतीजा मौके से भागा नहीं था। उन्होंने ये भी कहा है कि वो नशे में नहीं था।